इन दिनों शिव मंदिर के बाहर शिव के भक्तों की भीड़ उमड़ जाती है, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से माहौल वैसा नहीं है। प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थलों पर फिलहाल भक्तों के आने पर अभी प्रतिबंध लगाया गया है। फिर भी सावन में भगवान शिव को मनाने के लिए कम संख्या में भक्त उनके मंदिर पहुंच रहे हैं। देश भर के शिव मंदिरों में हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। मुरादाबाद के कई मंदिरों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग पूजा कर रहे हैं। भगवान शिव का जल अभिषेक किया जा रहा है। मुरादाबाद के शिव मंदिर में भी भक्त सुबह सुबह भगवान शिव के जल अभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम है नरेंद्र कुमार वैश्य। किस वक्त भक्तों की लाइन लग रहे थे जल चढ़ाने के लिए? वो तो कोरोना के चक्कर में सब मंदिर बंद है और आरती के टाइम में 5-10 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं, जिससे भक्त कर दूरी बना के जो है अपने भगवान के दर्शन कर लें, बाहर से दर्शन कर लें। लेकिन वैसे तो मंदिर सारे बंद ही हैं। अब इस समय सावन के दिन चल रहे हैं, इस समय तो
पूरे हिंदुस्तान में जयकारा होता, भंडारे होते, सब कुछ होते, मगर क्या करें जब सब कुछ बंद है तो किस अवसर रौनक रह रहती वो सब बंद हो गई सब ये कोरोना के चक्कर में। क्या कहो अब आपको मंदिर हो क्या कोई भी, अब तो ये है कि ये तो सरकार ने ही तो बंद कराया ये मंदिर, क्या सरकार ने ही तो बंद कराया है। अब इस समय जल आता कामर चढ़ती लोग बार लेके आते, कहाँ लेके आ रहे हैं, सब चोरी छिपे जा रहे हैं, तो वो भी इलाकों में एक आते, ऐसा तो कोई नहीं जा रहा। आप कौन से उससे पत्रकार से हैं? सर्वेश चंद्र त्रिवेदी। यहाँ पे सावन के आखिरी सोमवार पे चौथे जैसे कि चौथा सोमवार है, हजारों कम से कम 60-70 हज़ार कांवर थी, हरिद्वार और ब्रजघाट से जल लेकर आते थे और जल चढ़ाते थे, लेकिन कोरोना काल में रविवार और शनिवार लॉकडाउन होने की वजह से कोई भी श्रद्धालु वहाँ से जल लेकर नहीं आ रहा है। केवल यहाँ के स्थानीय लोग ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक एक व्यक्ति ही नियम से भगवान बाबा के दर्शन कर रहे हैं और जल अभिषेक कर रहे हैं। इसके अलावा किसी एक एक व्यक्ति से ज़्यादा अंदर मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। और क्या कहना चाहेंगे हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे बाबा से प्रार्थना है कि ये आपत्ति जो हम पे पूरे देश पर आई हुई है, इस आपत्ति में कोरोना काल में भगवान बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना है शीघ्र से शीघ्र ये बीमारी का निवारण हो, और बाबा से ये प्रार्थना करते हैं कि इस जल्दी जल्दी भी निवारण हो। मेरा नाम है महंत भोलेनाथ योगीराज। यहाँ पर लाइन लगते थे लॉकडाउन नहीं होता तो यहाँ बहुत थाने तक लाइन लग जाती, कांवर चलती ना आज आखिरी सोमवार। हाँ आखिरी सोमवार है, वो तो पूर्णमासी है आखिरी सोमवार की। तो क्या कहना चाहेंगे लॉकडाउन की वजह से? नहीं लॉकडाउन की वजह से ठीक ही है, ये अच्छी बात है, क्योंकि लॉकडाउन तो एक ऐसी बीमारी है लाइलाज की तो महामारी के हिसाब से है, तो ये अच्छा ही है कि मतलब इस तरह से अगर गवर्नमेंट ने हमारी मोदी जी ने अगर इस तरह का वो कर रखा है प्रावधान है ये कि भीड़ भाड़ ना हो, और मंदिर में भी अब जो है मतलब खबर है कि 5-5, 4-4 आदमी जो है पूजा कर सकते हैं। रौनक तो यहाँ बहुत बहुत रौनक रहती थी, पूरे शहर की कांवर यहाँ चढ़ती है चढ़ती थी, अब तो कोई कांवर ही नहीं आई है इस सोमवार में, तो कोई कांवर नहीं आई, कोई कांवर नहीं आई, नहीं कोई किस तरह का जल नहीं है, तो मोहल्ले वाले आसपास के हैं बस जो भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं।